भविष्यवाणी कहती है कि दूर के भविष्य में सभी स्थलीय दुनिया धर्म को भूल जाएगी। आत्मज्ञान के लिए कोई और शिक्षक पथ नहीं होगा। भावनाएं मजबूत होंगी और दुनिया एक नीतिक शून्यता में रह जाएगी। उस चरण दुनिया में अगले बुद्धा प्रकट होगा, उसका नाम मैत्रेय होगा। मूल रूप से बोधिसत्व मैत्रेय बुद्धा शाक्यमुनि के शिष्य थे। बुद्धा ने भविष्यवाणी की थी कि उनके शिष्य मैत्रेय अगले बुद्धा बनेंगे। समय आने पर वो केतुमति नगरी वर्तमान वाराणसी में पुनः जन्म लेगा। एक बार जब वे वयस्कता प्राप्त कर लेता है तो ये भविष्यवाणी की जाती है कि मैत्रेय अपने कई जन्मों की तैयारी के आधार केवल 7 दिनों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। फिर वो सच्चे धर्म को दुनिया में फिर से पेश करेगा। मैत्रेय को आमतौर पर सिंहासन में बैठे या मुद्रा में समय की प्रतीक्षा में चित्रित किया जाता है। वो या तो एक भिक्षु या भारतीय राजघराने की कपड़े पहने हुए है, कभी कभी एक धर्म पाया और एक पुंबा पकड़े हुए है। मैत्रेय नाम का अर्थ प्रेमपूर्ण दया और मित्रता है। भव्य बुद्धा के रूप में अपने नियति की प्रतीक्षा करते हुए मैत्रेय वर्तमान में त्रिशुता स्वर्ग में रहते हैं। वहां उन्हें ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। इस तरह उन्होंने शिक्षाओं को असम तक पहुंचाया, जिन्होंने बाद में उन्हें मैत्रेय 5 ग्रंथ के रूप में प्रसारित किया। ये ग्रंथ योगाचार परंपरा के आधार है। बुद्ध मैत्रेय का आगमन पृथ्वी पर एक नए वरम युग के आगमन का अग्रदूत है। अनगिनत छात्रों द्वारा उनकी शिक्षाओं का सार्वभौमिक रूप से पालन किया जाता जाएगा। उनमें से बहुतों को सिद्धि प्राप्त होगी। मैत्रेय भी कई शानदार चमत्कार प्रकट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के शरण में वो अपने मानव शरीर को पीछे नहीं छोड़ेगा और कोई अवशेष नहीं रहेगा। हालांकि उनकी शिक्षाएं अगले 180,000 वर्षों तक संरक्षित रहेगी। ये था भविष्य बुद्धा मैत्रेय की कहानी। आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हो, पसंद भी करते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर देते। आप लोगों के लिए तो ये सब्सक्राइब बटन फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होती है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।